नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल पर प्रसारित खबर। जिला वाराणसी से रितेश कुमार की खास रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। वाराणसी जिले में ग्राम जालूपुर के निवासी रवि कुमार पुत्र बाडू प्रसाद, जो जालूपुर के निवासी हैं, जो कि रवि कुमार ने लड़की खुशबू देवी पुत्री बबलू कुमार उर्फ संतोष कुमार, जो बिशुनपुरवा के निवासी हैं। ये रवि कुमार और खुशबू के कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने पुलिस प्रशासन से शादी की गुहार लगाई, जिससे लड़कर रवि कुमार को पुलिस ने 24 घंटे तक हिरासत में लेने के बाद दोनों पक्षों को बुलाकर सुलहनामा दिया और शादी की बात की। तो दोनों पक्षों से बातचीत के बाद खुशबू देवी एवं रवि कुमार की शादी कच्चा बाबा के मंदिर में किए है। डेट 26 अगस्त 2021 को, जिसके बाद लड़की खुशबू देवी की माँ से लड़का रवि कुमार की माँ अभद्रता व्यवहार से बात करते हुए शादी से खुश नहीं है, जिसको देखते हुए बेटी खुशबू देवी को संदेह है कि उसे आगे चलकर कहीं दहेज प्रथा के लिए उत्पीड़न न किया जाए, जिसके लिए वो मीडिया के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों, प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करना चाहती है कि आज दोनों पक्षों की राजी से शादी होने के बाद कहीं उसे उत्पीड़न न किया जाए। इसलिए सभी को अपना सुलहनामा एवं अपने बयान वीडियो बाइट के जरिए सभी तक अपनी आवाज़ को पहुंचा रही है कि यदि उसे डर है तो सिर्फ अपने ससुराल वालों से भी, वो दहेज का। आइए सुनते हैं खुशबू देवी क्या बताती हैं। रिपोर्टर रितेश कुमार की खास रिपोर्ट। अच्छा, कहाँ घर है तुम्हारा और शादी कहाँ पे हुआ है? शादी कहाँ हुआ है आपका? किशवारी, जालूपुर में। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सास ससुर आदमी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आपके सताने का चांस है? कदा हाँ। अच्छा, दहेज प्रथा का मामला है आपके? हाँ। तो पुलिस निगरानी में हो चुका है ना?